प्रदेश में प्रत्येक जिले में चल रहे कांग्रेस सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया के तहत आज जामताड़ा जिले के जिला अध्यक्ष एवं जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चयन प्रक्रिया हेतु बैठक किया गया, साथ ही नामांकन के लिए आवेदन लिया गया। झारखंड प्रदेश निर्वाचन अधिकारी प्रकाश जोशी के निर्देशानुसार जामताड़ा जिला के संगठनात्मक निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए प्रदेश सहायक निर्वाचन अधिकारी भावेश चौधरी जामताड़ा परिषद पहुंचे, जहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हरि मोहन मिश्रा, जिलाध्यक्ष मुक्ता मंडल व अन्य कांग्रेस नेताओं से मुलाकात किया। इस बैठक में जिला पदाधिकारी, जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, प्रखंड अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, अग्रणी संगठन एवं विभाग, जिले के संबंध प्रदेश प्रतिनिधि व अन्य मौजूद थे, जिसके बाद APRO ने संबंधित पदों के लिए नामांकन पत्र लिया। मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सहायक निर्वाचन अधिकारी भावेश चौधरी ने कहा कि जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के लिए नामांकन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष के 3 नामांकन आए हैं, जिसमें मुक्ता मंडल, हरि मोहन मिश्रा, विजय दुबे ने नामांकन किया। जिला कार्यकारिणी के लिए 13 नामांकन पत्र दाखिल किया गया। 3 नॉमिनेशन आया और भी इतने ही लोग लिए थे और तीनों लोगों ने मुझे फिलअप करके दे दिए। और जिला कार्यकारिणी के लिए 13 तो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जाते जाते 1-2 नॉमिनेशन और आ गए, 13 मेरे हाथ में आ चुका है कंप्लीट जिला कार्यकारिणी। कोई पद नहीं, विरोध भी हुआ नहीं? देखिए, जब हम एक परिवार में बैठते हैं तो विरोध तो आपस में होता ही रहता है, ये लोकतंत्र है। तो विरोध ये हुआ कि सदस्यता लेके हुई विरोध, हमने नहीं किया, हमारा पैसा नहीं जमा हुआ, या हमने उन लोगों को कहा कि आपका पैसा नहीं हुआ, आप अकाउंट नंबर दीजिए, क्योंकि इसी बात सबका विरोध था। लेकिन जहाँ तक है अध्यक्ष के लिए कोई विरोध नहीं, सब ने अपने अपने मर्जी से नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन शुरू के दौरे में 7-8 लोगों ने हाथ उठाया कि हम भी करेंगे, फिर आपसी समझौता बन गया कि हम आपकी तरफ, हम आपकी तरफ करके फाइनली जो हुआ ओपन हॉल में, वो 3 लोगों ने किया नॉमिनेशन। नॉमिनेशन लेके मैं जा रहा हूँ, यही हो रहा है कि पूरे झारखंड में किया जा रहा है, पूरे झारखंड में चल रहा है। इसका निर्णय कब तक आएगा? 30 तारीख को हमने इसके लिए एक पैनल मीटिंग से रखा है जो रांची में होगा। वो तीनों उम्मीदवार जो जामताड़ा के हैं वो आएंगे निर्धारित समय पर, उन लोगों को सूचना दे दी गई है अभी फॉर्म के साथ ही, कलेक्शन के साथ ही वो लोग आएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि उनको अध्यक्ष बनाने के पीछे पार्टी को क्या लाभ है, समाज को क्या लाभ है। किस किस पद के लिए नामांकन प्रक्रिया? जिला कार्यकारिणी में हमने उपाध्यक्ष के लिए किया, महासचिव के लिए किया और कोषाध्यक्ष के लिए।